जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए सब बोलो जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मन खोलिए हे जिनेन्द्र ज्ञान दो मोक्ष का वरदान दो कर रहे हैं प्रार्थना हम प्रार्थना पे ध्यान दो जय जिनेन्द्र बोल कर हृदय के द्वार खोलिए जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मन खोलिए जय जिनेन्द्र बोलिए अपना मन खोलिए आपस में हंस के कस के मुस्कुरा के जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र ऋषभदेव भगवान की भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की अहिंसा परमो धर्म की बोली परम पूज्य आचार्य भगवान फुलक सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की। देखिए शांत बैठो तो है ना, बच्चे भी आवाज नहीं करें क्योंकि दीप प्रज्वलन में बहुत आवाज कर ली तुम लोगों ने, अब शांत बैठो है ना। तो विषय चल रहा है थोड़ा सा कठिन है, टफ है, लेकिन उसको समझे बिना आगे की बात समझ नहीं आएगी। और हर कठिन को कठिन कहकर छोड़ देंगे तो फिर वो सरल कभी नहीं होगी, इसलिए कठिन को थोड़ा सा सरल बनाने का हम प्रयास करें, तब आगे की बातें आपको समझ आएगी। ज्ञान प्राथमिक ही दे रहा हूँ, बेसिक ही दे रहा हूँ, हाई फाई नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ बेसिक बातें भी कठिन हो जाती हैं। तो कल हमने कहा था कि मनुष्य का जन्म, किसी भी प्राणी का जन्म तीन कारणों से होता है। पहला कौन सा होता है? कर्म का फल भोगने के लिए। दूसरा कौन सा होता है? नए कर्मों का बंध करने के लिए। तीसरा क्या होता है? कर्मों का नाश करने के लिए। समझ आया? वो कर्मों का नाश करने का अवसर सबसे मुख्य रूप से किसी को मिला है तो मनुष्य को मिला है। नरकों में कर्मों का नाश नहीं कर सकते हैं, पशु कर्म फल भोगता है और देवता को कर्म नाश की व्यवस्था नहीं है, मनुष्य को है कि वह कर्मों का नाश कर सकता है। समझ आया? तो अगला प्रश्न मेरा था कि क्या कर्म फल भोगना ही जरूरी है या ना, या बिना भोगे भी कर्म का नाश कर सकते हैं। बोलिए, ऐसा सिद्धांत नहीं है कि आपको कर्म फल भोगना ही पड़ेगा। यदि ये सिद्धांत बना लोगे कि कर्म फल भोगना ही पड़ेगा तो फिर तुमको कभी मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि कर्म बनते रहेंगे हम फल भोगते रहेंगे, फिर मुक्ति कैसे मिलेगी। तो जरूरी नहीं है कि स्लेट पर जो लिख दिया है वो पढ़ा ही जाए, पानी की बूंद डालकर मिटाया भी जा सकता है। समझ गया? जो कर्म हमसे हो गए उसको हमें भोगना ही पड़ेगा ये आवश्यक नहीं है, उन्हें मिटाया भी जा सकता है। गलतियां को सुधारा जा सकता है या नहीं? कर्म क्या है? गलतियां हैं, उन्हें हम सुधार सकते हैं। पेंसिल से लिखा हुआ गलत शब्द एक रबर से सुधारा जा सकता है, मिटाया जा सकता है। तो वैसे ही हमने अपनी आत्मा पे कर्मों का बंध किया है, हम उसे बिना भोगे भी उसको मिटा सकते हैं। समझ आया? यदि नहीं मिटा सकते हैं ये बात समझ लो तो फिर मंदिर बेकार हो जाएगा, पूजा पाठ बेकार हो जाएगी, दीक्षा लेना बेकार हो जाएगा, माला जपना बेकार हो जाएगा, अभिषेक करना बेकार हो जाएगा। समझ आ रहा?
तो तुम श्रावक हो, तुम कर्मों का नाश कर सकते हो क्या? बोलिए, कर्मों का नाश कर सकते हो क्या? तो हम लोग क्या करें फिर? मुनि महाराज क्या करें? जब आप भी कर सकते और हम भी कर सकते हैं, तो फिर हमको ये सब काय को ये सब धारण किया दीक्षा इच्छा? मोक्ष तो कर्म नाश का ही नाम है ना, और आपने कहा कि हम कर्मों का नाश कर सकते हैं, तो फिर हमको दीक्षा लेने की क्या जरूरत? क्या ऐसा नहीं, मुनि बिना कर्म नाश किए बिना मोक्ष नहीं होता, चाहे मुनि हो या ग्रस्त हो। और आपने कहा हम कर्म नाश कर सकते हैं, तो आपको मोक्ष हो सकता है। जिसने कर्म नाश कर दिया उसको मोक्ष हो जाएगा, फिर महाराज बनना क्या जरूरी? मंत्री जी, हमारा प्रश्न ये नहीं है, हमारा प्रश्न है कि क्या आप कर्म नाश कर सकता है श्रावक? कर्म करके कर्म नाश कैसे करेगा? वो तो कर्म का बंद होगा ना। अच्छा हो बुरा हो दोनों कर्म ही है ना, कर्म करके कर्म नाश कैसे हो जाएगा? ओ बाप, आत्म कल्याण किसको बोलते हैं? आत्म कल्याण मोक्ष को ही तो बोलते हैं ना, और मोक्ष बिना कर्म नाश के होता नहीं है। और आपने कहा कि हम लोग कर्म नाश कर सकते हैं। कुछ जैसे बताना, कुछ कौन से? कुछ कर्म कहने से काम नहीं चल, कौन से कर्म? मोहिनी छोड़ के आठ में से सात नाश कर दोगी? आठ कर्म होते हैं, आपने कहा मोहिनी को छोड़ दो, कितने बचे? सात नाश कर सकते हो तुम। गई भैंस पानी में, समझ में आ? कैसे कर दोगे सात कर्मों का नाश? पहले तो मोहिनी का ही होता है, कठिन होगा लेकिन सरल बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, शायद तुमको समझ में आ जाए। आना तो मुश्किल है, जितना पढ़ा है वो भी आ जाए, यही हमारी किस्मत है, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं। समझ में आ रहा? प्रयास तो करना पड़ेगा। ध्यान रखो, श्रावक पाप कर्मों का नाश कर सकता है। किसका? किसका नाश कर सकता है? दो चीज है ना, दुख कहो कम्मक कहो, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसे केवल ये मत समझो कि महाराज के सामने भगवान के सामने बोल दिया दुख कहो कम, इस पर ही पूरा धर्म टिका है। दुख कैसे मिलते हैं? किससे मिलते हैं? पाप से। तो आप किसका नाश कर सकते हो? पाप का, कर्मों का नहीं। हाँ, समझ में आ रहा कि नहीं? इसलिए आपको पहले क्या कहा, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापना, कर्मनाशनम नहीं बोला, क्या बोला है? पापनाशनम बोला। ऐसो पंचणमो यारो सौव, कर्मनाशनम बोला या पापनाशनम बोला? सौव पावपनाशनो, किसका नाश करता है नमोकार मंत्र? सब पापों का नाश करता है। समझ में आ रहा? यदि नमोकार मंत्र ही सबका नाश कर देगा सब कर्मों का, तो फिर दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। किसका नाश करता है? पाप का नाश करता है। श्री जिनवर की आशिका भव भव के पातक बोले तो पाप, कर्म नशे नहीं बोला। क्या करता है नाश? पाप का नाश कर। श्रावक की स्थिति काय की है? पाप नाश करने की।
इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? क्या आप आठ कर्मों का नाश कर सकते हैं? किसका नाश कर सकते हैं? पाप कर्मों। और नाश से मतलब कम ज्यादा, समझ में आ रहा? पूरा नाश नहीं कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अणुवृत्त क्या है तुम्हारे, पाप को कम कर सकते हो। पूर्ण नष्ट करना है तो महाव्रत, समझ में आ रहा? क्या कर सकते हो तुम? पाप का भार क्या कर सकते हो? कम कर सकते। क्लियर हो रहा नहीं? कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो पाप को कम? सीधे सट पे क्यों चले जाते हो? सीधा सट सट सटा सट है? क्या लिखा है आचार्य कुंद कुंद ने? सबसे पहले लिखा है दानम पूजा मुखम सावय। मुख्य धर्म तो दो ही है, कौन से? दान और सट। कर्म तुम्हारा मुख्य धर्म नहीं है? प्रतिक्रमण तुम्हारा मुख्य धर्म है क्या? नहीं। सामायिक नहीं, स्वाध्याय नहीं, माला नहीं। क्या है तुम्हारा मुख्य धर्म? दानम पूया मुखम सावय धम्मो एण विणा ना सावय। वह श्रावक नहीं है। कोई कहते हम स्वाध्याय कर रहे हैं, कोई कहता हम सामायिक कर रहे हैं, कोई कहता हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं, कोई कहता हम उपास कर रहे हैं। आपका मुख्य, ये धर्म है लेकिन मुख्य नहीं है। मुख्य धर्म कौन सा है? दान और पूजा। इससे क्या होता है? पाप कर्मों का फल, पाप कर्म जो है बिना फल दिए चले जाते हैं। कुछ ऐसे पेड़ भी होते हैं ना जिनमें फल नहीं लगते हैं, है ना? क्लियर हो रहा? कठिन लग रहा है क्या? हर कर्म भोगना जरूरी है? नहीं, नहीं तो कर्म नाश कैसे करोगे? कर्म नाश करने के लिए आप श्रावक हो, आपके कौन से कर्मों का नाश करना है आपको? आठ कर्मों की ज्यादा ऊंची ऊंची डायलॉग मत दिया करो, लंबी लंबी फेंके जा रहे हैं कि मैं शुद्ध और मैं बुद्ध और मेरा ये और मेरा वो, ये सब बकवास है। जो हो ओरिजिनल उसकी बात करो, है ना? लंबी लंबी बातें मत करो। बातें तो बहुत सी कर सकते हैं, बातें तो तुम सिद्ध अरिहंत की भी कर सकते हो, लेकिन हो क्या? नहीं हो ना। जो हो उतना ही सोचो, उतना ही विचारो, उतना ही दिमाग लगाओ। ज़्यादा हाई फाई मत लगाओ कि भरत जी गरही में बैरागी, सब डायलॉगबाजी है। तुम कितने बैरागी तुम भी जानते हो, ऊपर वाला भी जानता है ना। बातों में कुछ नहीं रखा, प्रैक्टिकली बात करो। समझ में आ रहा? किसका नाश कर सकते हो तुम? पाप कर्मों का। सर्वनाश भी नहीं कर सकते हो। अणुवृत्ति उनको क्या कर सकते हो? कम कर। कैसे कर सकते हो? दानम पूया मुखम सावय धम्मो। श्रावक का मुख्य धर्म यदि आचार्य ने कहा है तो दान और पूजा कहा है। समझ में आ रहा? बैठ गए हम सामायिक कर रहे, क्यों कर रहे हैं? तुम्हारा धर्म ही नहीं है ये तो। हमारे धर्म है तीसरी प्रतिमा से सामायिक, तुम्हारा थोड़ी है। आप तो असंयमी है ना, आप काय का प्रतिक्रमण कर रहे हैं? जो व्रती होते हैं वो प्रतिक्रमण कर, आपकी तो व्रति नहीं है। दूसरी प्रतिमा है क्या? काय का प्रतिक्रमण कर रहे? बोलिए मुख्य धर्म क्या है? दान और यही करो और कुछ नहीं, बाकी हो जाए अलग चीज है। लेकिन हम इन मुख्य धर्म को छोड़ के जो गौण धर्म है वो करते हैं, है ना? जो तुम्हारा है ही नहीं उसको करते हैं। दिक्कत ये है कि श्रावक मूलाचार पढ़ रहा है और मुनि महाराज श्रावकाचार पढ़ रहे हैं, लफड़ाई हो रहा है। समझे ना? हम अपने में सुखी ना तुम अपने में सुखी हो। तुम्हारे जो सब्जेक्ट हैं उतना ही करो, उतना ही पढ़ो, समय कम है। जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटक निज हित करो, लंबी लंबी बातें मत करो, है ना? जितना कर सको उतना ही बोलो, उतना ही सोचो, असंयमी हो, महावृत्तियों जैसी बातें करते।
क्या हो तुम, असंयमी हो, संयम भी नहीं है, रात्रि भोजन नहीं छूट रहा, पानी नहीं छूट रहा, आलू प्याज नहीं छूट रहे, चाय नहीं छूट रहे, बातें बड़ी गहरी कर रहे हैं, समझ में आ रहा। बातें तो इतनी है कि केवली भगवान तुम्हारी अंदर उतर आए हो, समझ, उतना ही बात करो जितना आप कर सकते हो, क्लियर। लंबी लंबी फेंकने की जरूरत नहीं। कल मेरा प्रश्न था, क्या भगवान कुछ देते हैं? दिमाग से बोलो, दिल से बोलो। दिल तो कह रहा देते, दिमाग कुछ और कह रहा है। दिमाग तर्क लगा रहा, खोपड़ी लगा रहा है ना, उसे चाहिए भी है, दिल कह रहा दे दे, दिमाग कह रहा बीतरागी है ना, उलझ गए ना, समझ में आ रहा। खोपड़ी में नहीं चलने का, किससे चलने का, हृदय से, समझ में आ रहा। एक बात बताओ, कौन व्यक्ति नहीं दे सकता, कौन नहीं दे सकता? तीन कारण होंगे जो नहीं दे सकता। एक तो वह नहीं दे सकता जो कंगाल है, जिसके पास खुद का जुगाड़ नहीं है, वो क्या देगा, कंगाल दे सकता है क्या? कौन नहीं देता? पहला कारण जो कंगाल है। दूसरा कौन नहीं देता बोलो? कंजूस आदमी नहीं देता, कंजूस मक्खी चूस, सड़ जाए कुटुंब नहीं खाए, समझ में आ रहा, मर जाएंगे लेकिन खाने नहीं देंगे, ध्यान रखना, ना खाएंगे ना खाने देंगे, जोड़ जोड़ के मरेंगे, समझ में आ रहा, ये नहीं देते। और तीसरा कौन नहीं देता? जो दाता नहीं होता, है ना, दाता ही तो देगा, कंजूस भी नहीं देगा, मक्खी चूस भी नहीं देगा, कंगाल भी नहीं देगा, उसके पास है ही नहीं, देगा कौन? जो दाता होता है। अब बताओ अरिहंत भगवान में तीन में से कौन सी बात है? कंगाल है बोलो, नहीं बोल दो, कंगाल बिल्कुल, भिखारी, कुछ नहीं है उनके पास, ऐसा है क्या, कंगाल है क्या भगवान? मजा कहाँ नहीं जाए इस कंगाली का, समझ में आ रहा, भेष दिगंबर धार तू खुशहाली का, मजा कहाँ नहीं जाए इस कंगाल। यदि अरिहंत भगवान कंगाल हैं तो सो इंद्र प्रणाम क्यों करते हैं? कंगाल को कोई प्रणाम करता है क्या है? सत इंद्र नमन कर शीश धार, देवादि देव अरिहंत देव, वंदो मन वचितन। भगवान नहीं देता ये बोल के क्या आप उन्हें कंगाल साबित कर रहे हैं? कंगाल है तुम्हारा भगवान? कितने इंद्रों से वंदित है? 100 इंद्रों से। 100 इंद्र कंगाल को प्रणाम करेंगे बोलो, हाँ या ना? आप किसी कंगाल को प्रणाम करोगी? जैसे महाराज क्या, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, अभी रास्ते में कोई भिखारी मिलेगा, हे स्वामी धन्य हुए आपके दर्शन, ऐसा कहोगे क्या? चरणों में लेट जाओगे क्या? फूल रख दोगे, दूध चढ़ाओगे, पाद प्रक्षालन करोगे, आज तो धन्य हो गया मुझे कंगाल के दर्शन हो गए, ऐसा करोगे क्या? उस कंगाल को देख के कहोगे कि दर्शनम पाप नाशनम, खुद ही पाप में मर रहा, वो हमारे क्या पाप नाश करेगा, उसका खुद जुगाड़ नहीं है, समझ में आ रहा। तो क्या आप भगवान को कंगाल समझते हैं? है? तीनों लोक प्रणाम करता है, त्रिलोक वंद भगवान, तीनों लोक जिसकी वंदना करते हैं, ऐसे अरिहंत भगवान हुआ करते, उनकी महिमा क्यों घटा रहे? ये 9वीं सदी से 20वीं सदी के कुछ खुरापाती ऐसे विद्वान हो गए तथा कथित, जिनने ये साबित कर दिया कि भगवान कुछ नहीं देते। 9वीं सदी के ऊपर के आचार्यों का वर्णन पढ़ो, उन्होंने कहा भगवान देते हैं, समझ में आ गया। कुछ खोपड़ियां ऐसी आ गई समाज में, अभी भी हैं खुरापाती, उठपटांग काम करना है जिनको, आगम आगम तो समझना नहीं है, समझ में आ गया। उन लोगों ने ऐसी बुद्धि डाल दी
कि समाज के अंदर ये रग रग में ठूस दिया कि वितरागी कुछ नहीं देते। क्यों नहीं देते? देते हैं भाई। मैं तो कहता हूं जो वितरागी देता है दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। जो वो देते हैं कहीं भी चले जाओ कहीं मिलने वाला है। ये दुख कहो कम कहो वो ही लाओ, कौन सा भगवान देगा वितरागी के अलावा? वितरागी ही देंगे। क्यों देंगे? अभी मैं सिद्ध करूंगा आगम से, शास्त्रों से, मन से नहीं। दूसरी बात, कंजूस है क्या तुम्हारे भगवान? तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां, दिन रात लुटाया करते हो, शम शम की अविनश्वर मणिया। कब लुटाते हैं अपना धन? कब लुटाते भगवान? दिन रात लुटाया करते हो, शम शम की अविनश स्वर। दिन रात दे रहे हो, दिन रात, एक भी सेकेंड का अंतर नहीं है। तुम सा दानी क्या कोई हो, तुम्हारे जैसा दानी कौन है? कोई नहीं है दुनिया में। समझ में आ रहा? तो कंजूस है क्या या दानी है? बोलो, तुम सा दानी क्या कोई हो? कैसे कंजूस है भगवान? ये बात अलग है कि कंजूसों के भगवान हैं, है ना? कैसे है? कंजूस नहीं है भगवान, लेकिन कंजूसों के भगवान है वो। तीसरा शब्द आता है दाता, दातृत्व भाव। कैसा भाव भगवान का? कब देते हैं भगवान? दिन रात, रात दिन। अब देखो, अब अपन को मूल आगम को समझना है। भगवान ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि इहा पूर्वक भगवान जो होते हैं, इहा पूर्वम ना होई केवलिनो, प्राकृत का शब्द है। इहा पूर्वम ना होई केवलिनो, इहा माने इच्छा पूर्वक नहीं देते हैं। क्या समझ में आया? देते तो हैं, लेकिन कैसे नहीं देते हैं? इच्छा पूर्वक नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनके मोहिनी कर्म का नाश हो गया है। जहां मोहिनी कर्म है वहां इच्छाएं हैं। तुम्हारी इच्छा है? एक बात बताओ, बड़े इंजीनियर लोग बैठे, इच्छा किसे कहते हैं? इच्छा, पढ़े लिखे हो ना, इच्छा किसे कहते हैं? हैं? पर्यायवाची मत बताओ, डेफिनेशन। इच्छा क्या होती है? लालसा और इच्छा पर्यायवाची हुआ ना। वाह यार इंजीनियर भाई, क्या बात। नो no. कुछ कर रहे हैं ये भी तो इच्छा है, बदला छोड़ो। इच्छा क्या होती है? इच्छा इहा पूर्वम न होई केवलिनो, वो जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी देते हैं, इच्छा पूर्वक नहीं देते हैं। इच्छा क्या होती है? हैं? क्या बोल रहे हैं? ना, इच्छा की परिभाषा नहीं मानी। माइक दो, इच्छा पूर्वक बोल रही। इच्छा पूर्वक क्या होता है? जैन होके इच्छा नहीं जाना, इच्छा क्या होती है? किसे कहते हैं इच्छा? अरे भैया, तुम लोग इतने चतुर्मास कराए हो, इच्छा ही नहीं जानते। इच्छा किसे कहते हैं? चाहना पर्यायवाची हुआ ना। पूछ क्या रहे हैं? परिभाषा। बता क्या रहे हो? प्रश्न ये नहीं है कि इच्छा का क्या होता है, इच्छा होती क्या है, प्रश्न ये है। उत्तर कुछ और आ रहा है। बोल, मन से जो सोचते हैं उसे इच्छा कहते हैं, उसको तो विचार कहते हैं। सोचने को विचार कहते हैं, इच्छा थोड़ी कहते हैं।
इच्छा क्या होती? एक जो चाहत रहती है मन में, चाहत, इच्छा, लगाव, लालसा, वांछा, अपेक्षा, ये सब एक ही बहन के नाम है। समझ में आ रहा? घर में गीता, स्कूल में सीता, है तो वही फजीता। समझ में आ रहा? इच्छा क्या होती? इच्छा में समझना बड़ी महत्वपूर्ण है आगम की परिभाषा, कि जो इच्छा होती है उसमें पहली चीज तो होता है डिसीजन, निर्णय, दूसरी चीज प्लानिंग, प्लान, योजना, और तीसरी चीज डिस्कर्शन। इन तीनों से बनती है इच्छा। समझ में आ रहा? काय काय से बनती है? और इसको आगम की भाषा में बोलते हैं समरंभ, समारंभ, आरंभ। समझे? इसको इच्छा बोलते हैं। वकील साहब, डिसीजन, प्लानिंग, डिस्कर्शन, किसको देना, कितना देना, क्यों देना, कब देना, नहीं देना, देना, ये सब इच्छाएं हैं। समझ में आ रहा? ये क्या है? इच्छा। और आगम की भाषा बोलो तो समारंभ, समारंभ, समारंभ यानी संकल्प, समारंभ यानी तैयारी, आरंभ यानी दे दो। इसके बिना आप कोई काम करते क्या? महाराज को लाना है, चतुर्मास कराना है, मीटिंग क्या है? लाना है डिस्कर्शन, है ना? डिस्कर्स हो रहा है। कैसे लाना है? प्लानिंग है। लेकर ही आना है, डिसीजन है। समझ में आ रहा? ये क्या हो गई? चातुर्मास की इच्छा। समझ में आ? नहीं आ रहा? आप कोई भी चीज लगा लो, मुझे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इनके बिना कोई काम होता है क्या? मोक्ष सप्तमी मनाना है, डिस्कर्शन, डिसीजन, प्लानिंग, इन तीनों को प्लस कर दो, इज इक्वल टू इच्छा। भगवान ऐसा नहीं करते हैं। समझ में आ रहा? भगवान देते हैं बिना प्लानिंग के, बिना किसी से डिस्कस करते। क्यों करेंगे? केवल ही भगवान, वो किससे डिस्कस करें? डिसीजन उनका सेल्फ डिसीजन, किसी से नहीं लेते। समझ में आ रहा? तो जो समरंभ, समारंभ, आरंभ, ये तीन चीजों के भगवान त्यागी हैं, वो जिसके जीवन से तीन निकल जाती है उसका दिया हुआ यहाँ पूर्वम न होई केवलिनो, वह इच्छा पूर्वक नहीं देते हैं। एक आकाश में बादल छाता है तो इच्छा करता है कि खेत में बरसूं, मुसलमान के घर में नहीं बरसूं, हिंदू के घर में बरसूं, ऐसा करता है क्या? मुसलमान के खेत में नहीं बरसेंगे, बादल बिना इच्छा के बरसते हैं और अरहंत बिना इच्छा के दिया करते हैं। समझ में आ रहा? कोई इच्छा नहीं होती बादलों की। सूरज की कोई इच्छा होती है कि जो मुझे अर्घ चढ़ाएगा उसके घर में उजाला दूंगा, ऐसा है क्या? सूर्य नमस्कार करेगा उसको तो प्रकाश दूंगा, और जो चांद नमस्कार करेंगे उनको प्रकाश नहीं दूंगा, ऐसा है क्या? बोलो। सूरज जब रोशनी देता है, समरंभ, समारंभ, आरंभ से नहीं देता है, वो कोई डिसीजन, प्लानिंग और डिस्कर्शन से नहीं देता है। सूर्य का रोशनी देना उसका स्वभाव है। क्या है? स्वभाव है। आप जब भी दान करेंगे, पत्नी से पूछता हूं, फोन लगाता हूं, दे रहा हूं, फिर प्लानिंग कहां से चुकाऊंगा, क्या करूंगा, आपका दान इन तीन चीजों से होता है। समझ में? मेरी हैसियत क्या है? उधर तो हैसियत देख नहीं, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य। समझ में आ रहा? उनको ये भी, तुम तो देखते ना मेरी गुंजाइश कितनी है, वहां तो अनंत वीर्य, सब कुछ वहां क्या है? काउंटलेस, अनंत, अनंत, अनंत। अनंत वाला सोचेगा या कम कमाने वाला सोचेगा दान देने में? बोलो।
अभी एमआर भाई आपको बोलूं दान दो तो आप अपनी हैसियत से देंगे या उससे ज्यादा देंगे? हैसियत से तो दोगे ना, उससे ज्यादा कैसे दे दोगे? समझ में आ रहा? अब तुम्हारी तो हैसियत है लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, उनकी हैसियत कितनी भगवान की? तो वो काय को डिस्कर्शन करेंगे? समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? वो डिसीजन क्यों लेंगे? वो क्यों प्लानिंग करेंगे? अक्षय दान, समझ में आ रहा? देते ही रहते, उनका स्वभाव है देना। पानी अपनी शीतलता कोई प्लानिंग से नहीं देता है, उसका नेचर है। अग्नि अपनी उष्णता किसी प्लानिंग से नहीं देती है, वही उसका नेचर है। और मेरा अरहंत सारे जगत को छाईक दान किसी प्लानिंग से नहीं देता, वो उनका स्वभाव हुआ करता है। क्या है उनका वो स्वभाव? है केवल ज्ञान होने के बाद 9 लब्धियां प्राप्त होती हैं। अंतराय कर्म के नाश से 5 चीजें प्राप्त होती हैं। क्या क्या प्राप्त होता है? छायिक दर्शन, छायिक ज्ञान, छायिक दान, छायिक भोग, छायिक उपयोग, उपभोग, है ना? तो छायिक दान हो गया ना उनको। छायिक दान का मतलब क्या? नो प्लानिंग, बोलो, नो डिसीजन, नो डिस्कशन। समझ में आ रहा? इच्छा ही नहीं, उनके मन ही नहीं, वो सोचते ही नहीं है। उनका तो नेचर है देना। शक्ति है तुझ में सी कर्म काटने की, तारण तरण तुम्ही हो जिन वाणी बताए, तारण तरण तुम्ही हो जिन वाणी बताए, शरण तेरी आए। बोलते गाते हैं, शक्ति है तुझ में ऐसी। कौन सी शक्ति है? सूरज में शक्ति काय की है? प्रकाशित करने की। पानी में शक्ति क्या है? शीतलता की। और हे जिनेंद्र, तुम में शक्ति क्या है? शक्ति है तुझ में सी कर्म काटने की। वो शक्ति किसी के पास नहीं, केवल मेरे अरिहंत भगवान के पास है वह शक्ति जो कर्मों को काट दिया करती है। और क्या हो आप? तारण तरण तुम्ही हो जिन वाणी बताए। क्या है भगवान? तारण तरण, खुद भी तरते हैं दूसरों को भी। क्लियर हो रहा विषय? नहीं हो रहा? जिसके पास इच्छा है वो ये करेगा ना कि बड़े बेटे को ज्यादा देना है, छोटे को, जो ज्यादा बटरिंग करता, ज्यादा चेला है उसको आशीर्वाद, खुश रहो, जो नहीं करता। मुझ में भी इच्छा रहित दान नहीं है, मेरा आशीर्वाद भी इच्छा रहित नहीं है, क्योंकि मेरे मोहिनी का नाश नहीं हुआ। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा विषय? भगवान का इच्छा रहित है। भगवान चलते भी हैं तो अपनी इच्छा से नहीं चलते हैं। आकाश गमन अपनी इच्छा से नहीं होता है, उनका समूसरण अपनी इच्छा से नहीं होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इच्छा से नहीं होता लेकिन है उनका ही। समझ में आ रहा? किसका है समूसरण? किसका होता है? करता कौन हो गए उसके? तीर्थंकर भगवान। लेकिन कैसे करता है वो? इच्छा रहित करता। हम इच्छा सहित करता है। कैसे दाता है वो? इच्छा रहित दाता। कैसे भोगता है वो? इच्छा रहित भोगता है। ये आगम है, ये जिनागम है, शास्त्र है। समझ में आ रहे? कठिन हो रहा है क्या? बोलो। बिना इच्छा के आप आहार कैसे देते? इच्छा से, बिना इच्छा के? इच्छा से। क्यों? आप संसारी हैं, आपके अंदर मोहिनी कर्म बैठा है, इच्छा का जन्म हो गई होगा। मेरे अंदर भी इच्छाएं हैं, लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। फिर भगवान यदि सबको एक सा देते हैं, क्या देते हैं भगवान? रत्नकर्ण साहब का 4 में आया, बड़ा सुंदर। क्या? देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम, काम दुहि काम दाहिनी परिचिन्यादराश्यतो नित्यम। क्या देते हैं भगवान? पूछा समंत्र भद्र स्वामी से, भगवान क्या देते हैं? देवादिदेव चरणम चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम। क्या करते हैं भगवान? 3 चीजें भगवान को दी हैं रत्नकर्ण श्राव का 4 में।
आगम की बात पीछे थोड़ा कठिन है लेकिन समझो, तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम हुआ कि रत्नकर्ण श्रावकाचार है क्या ये, लेकिन सुनो, समझ में आ, सुनने से भी कल्याण होता है। क्या दिया है? काम दुही काम दाहिनी और सर्व दुख निरहरण। भगवान के चरण कैसे हैं? काम दुही काम दाहिनी सर्व दुख निरहरण। क्या मतलब? भगवान के चरण काम दुही, दुही माने गाय कैसी दुही जाती है, गाय का दूध कैसे निकलता, क्या बोलते मराठी में, क्या दुहना ही तो बोलते हैं, गाय दुहलो है ना, नहीं आता, नीचे उड़ लो क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, काम दुही। काम को जो संसारी जीव हैं उनके लिए भगवान के चरण काम दुही हैं, और जो त्यागी व्रति हैं उनके लिए भगवान के चरण काम दाहिनी हैं, उनके कामों को जला देते हैं, नष्ट कर देते हैं। एक बात याद रखना, आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, किसी सुंदर रूप को देखकर वासना जगेगी, लेकिन मेरे अरहंत के चरणों में बैठ जाओ, वासना दूर भाग जाएगी। बैठो मूर्ति के पास, समझ में आ रहा, भक्ति भाव से बैठो, वो दिखावे वाले से नहीं, समझ में आ रहा, भगवान उनको देख के। आज तक भी भगवान के इंद्र सुंदर रूप को कितनी भी चरित्रहीन औरत क्यों ना हो, कितनी भी वेश्या औरत क्यों ना हो, वो पुरुषों को देखकर कामासक्त हो सकती है, लेकिन अरहंत के बिंब को देखकर कामासक्त नहीं हो सकती। कोई काम वासना जगती है भगवान को देख के? बोलो कैसा बिंब है उनका, बीतरा काम दाहिनी रूप उनका, समझ में आ रहा, काम को नाश करने वाले। लेकिन संसारियों को काम दुही दोहलो जितना दोहना है, काम दुही माने कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। आप ग्रस्त हैं, आपको सब चीज चाहिए, भोजन चाहिए, रहना चाहिए, दुख मिटाना है, मानसिक दुख वाचनिक दुख इनको नाश करना है, काम दुही ले लो जो चाहिए, कम ज्यादा देंगे या एक सा देंगे है? देखो पाप क्या होते हैं अपन बाद में समझेंगे, समझ में, पहले अपन पहले भगवान को तो समझें कि हमारा भगवान क्या है, और त्यागियों का क्या करता है, काम का नाश करते हैं भगवान, समझ में आ रहा। संसारियों को चक्रवर्ती संप्रदा, इंद्र का पद, अहिमिंद्र का पद, ये नारायण प्रति नारायण, ये सब मुनि होते हैं पिछले जन्म में, समझ में आ रहा। निदान बंद, ये किसकी भक्ति से मिला है, एको जिनेन्द्र भक्ति समर्थे, हम ध्यान रखना, एक जिनेन्द्र भगवान की भक्ति, दूसरा नहीं, समझ में आ, किसी की भी कर लो नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना। संसारियों के लिए क्या दिया भगवान ने, संसारिक वस्तुएं प्रदान की, त्यागी वृत्तियों के लिए क्या दिया, काम दाहिनी, फिर क्या बोला, सर्व दुख निरहरणम, कौन, देवादि देव चरण, सर्व दुखों का नाश कर देते, सब पाप प्रणाशन, जहां दुख शब्द आए ना वहां पाप लगा लेना, जल्दी अर्थ समझ में आएगा, है ना, क्या लगा लेना, सर्व दुख निरहरण। कौन होते हैं बोलो, तीर्थंकर भगवान, कौन होते हैं, पहली बात समझ लो, थोड़ा सा रिपीट कर लें, कर्म हम काट सकते हैं कि नहीं, कैसे काट सकते हैं, अरहंत शरणम पवज्जामि, सिद्ध शरणम पवज्जामि, एक ही माला जपो दिन भर, अरहंत शरणम पवज्जामि, अरहंत शरणम पवज्जामि, सिद्ध शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पणत्तो धम्मम शरणम। क्यों क्यों इनकी शरण को प्राप्त होता हूँ, अरहंत मंगलम, मंगलम यानी सर्व दुख निरहरणम, मंगल क्या होता है, पापों का नाश करता है, समझ में आ रहा, क्लियर हो रही है बात, नहीं हो रही। अब प्रश्न है कि भगवान देते हैं या नहीं देते हैं, इहा पूर्वम न होई केवलिनो, वो इच्छा पूर्वक नहीं देते हैं, बिना इच्छा के उनसे मिल जाता है, समझ में आया। मेरे पास चतुर्मास के लिए लोग आते हैं, महाराज हमारे यहाँ चतुर्मास करो, हमने कहा हम चतुर्मास कहीं नहीं करते हैं, हम चतुर्मास कहीं नहीं करते हैं, लोग करा लेते हैं,
समझ में आ रहा? कौन करा लेते हैं? तुम में दम थी तो बंबई से खींच के यहां ले आए, है ना? नहीं तो करना कहाँ था? इच्छा पूर्वक तो हम बंबई जा रहे थे, लेकिन तुम में इतनी पावर थी कि बंबई का एक एक डांट में डांट क्या, प्यार, लाड़, अधिकार, समझ में आ रहा? एक किस्मत मानो कि तुम मुनि के अधिकार के काबिल हो। हर समाज नहीं होती अधिकार के काबिल, समझ में आ रहा? ये किस्मत मानो कि मुनि की लाड़, मुनि के डांट के तुम काबिल हो। इतना काबिल तो भगवान तूने औरंगाबाद की समाज को बना ही दिया है, और इतने काबिल जिंदगी भर बने रहना तो अपने जीवन का कल्याण हो जाएगा। डांट नहीं है, वो हक है। तुम पर कोई मुनि हक जमाए, इससे बड़ी किस्मत और क्या होगी दुनिया में? मुनियों पे सारे लोग हक जमाते हैं, लेकिन हमारी भक्ति में वो ताकत है कि मुनि हम पे हक जमाते हैं। समझ में आ रहा? वो किस्मत होती। मुनियों पे तो सब कहते हैं हमारे महाराज, हमारे महाराज, हमारे महाराज, हमारे महाराज। महाराज कह दें मेरा श्रावक, तो जीवन का कल्याण हो जाता है। समझ आया? तो भगवान इच्छा पूर्वक नहीं देते। इच्छा पूर्वक क्यों नहीं देते? क्योंकि उनके मोहिनी कर्म का नाश हो गया है, इच्छाओं का अंत हो गया है, इसलिए उनको इच्छा नहीं है। समझ में आ रहा? अब देंगे तो भगवान कैसे देंगे? छाइक दान से देंगे। समझ में आ रहा? घाती कर्म का नाश किसने किया, तुमने या हमने? भगवान ने किया। फल किसको मिल रहा है, उनको या हमको? अपने को मिल रहा। उनकी तपस्या का फल किसको प्राप्त हो रहा है? अपने पाप नाश हो रहे हैं उनका स्मरण करने से। समझ में आ रहा? तपस्या किसने की? भगवान ने। रिजल्ट किसको आ रहा है? अपने को आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा ना? एक बात बताओ, मुनि हम बने, पढ़ाई लिखाई हमने मेहनत से की, मजे कौन ले रहा है? यहां बैठे सब इतने श्रावक मजे ले रहे ना? अरे मजे से मतलब कि ज्ञान तो प्राप्त कर रहे हैं ना, मेहनत किसकी, मजे किसके? तो इसको ही कहते हैं खोज किसी की, मौज किसी की। समझ में आ रहा? खोजा मोक्ष किसने? अरे हंतों ने। मौज कौन कर रहा? अपन कर रहे हैं ना। खोज किसी की, मौज किसी की। हे भगवान, तुम्हारी तपस्या का मौज तुम्हें तो मिल ही रहा है, हमको भी मिल रहा है ना? इसीलिए तो क्या कहा, तारण तरण, है ना? आ रहा विषय समझ में कि कठिन हो रहा है? समझ आ गया ना? अब देखिए, अब अपन आगे चलते हैं। ऐसा क्यों होता है किसी को कम किसी को ज्यादा मिलता है? यदि भगवान दे ही रहे हैं एक सा क्यों नहीं देते? वो तो एक सा ही देते हैं, हमें एक सा नहीं मिलता है। गलती किसकी, देने वाले की या लेने वाले की? एक प्रश्न बता दो, बहुत तेज बारिश हो रही है, इतनी बारिश की पूरा औरंगाबाद पानी से भर गया, नालियां भर गई, नाले भर गए, कहीं जगह नहीं, रोड बंद हो गई। अभी हुआ ना कोंकण में, है ना? सब हो गया, सब भीग गया, और एक आदमी मैदान में खड़ा है, नहीं भीगा। क्यों? सब भीग गए, वो नहीं भीगा क्योंकि वो रेनकोट पहनकर खड़ा है। समझ में आ रहा? क्यों नहीं भीगा? क्या पहन के खड़ा है? भीग जाए पेड़, भीग जाए मकान, बाढ़ आ जाए, वो बिल्कुल नहीं भीगा। क्यों नहीं भीगा? रेनकोट, छाता, अम्ब्रेला, समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो रहा ना? पानी ने नहीं भिगोया या वो नहीं भीगा? बोलो। बरसात ने भेदभाव किया कि लेने वाले ने किया? छाता हटा देता, रेनकोट हटा देता, भीग जाता। समझ में आ रहा? भगवान की कृपा दिन भर बरस रही है, हमारे पापों की छत्रियां हमें कृपा लेने नहीं देती है। उनके दान में कोई अंतराय नहीं है, हमारे लाभ में अंतराय बैठा है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा नहीं आ रही बात समझ में? पानी रोज रिमझिम रिमझिम क्या मूसलाधार भी बरसे तो क्या होगा,
आपको पानी छुएगा, यदि अम्ब्रेला लगाया है तो नहीं छुएगा। वही मैं कह सकता हूँ कि जब हम अपने जीवन में पाप की छतरी लगा कर खड़े हैं तो दोष उसके देने वाले का नहीं है, दोष लेने वाले का हुआ करता। समझ में आ रही बात? उनका तो दान कैसा है, चाहिक माने अनंत, लेकिन हमारा लेने का भाग्य अनंत नहीं है। गलती किसकी तरफ से? गाय ने दूध दिया लेकिन बर्तन में खटाई लगी है, तो गाय की गलती, दूध की गलती या तुम्हारे पात्र की गलती है? तो गड़बड़ी ऊपर से है या नीचे से है? नहीं, इधर से नहीं है। समझ में आ रहा? गड़बड़ी कहाँ से हो रही? नीचे से। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा विषय? नहीं आ रहा? भगवान की कृपा हम पे क्यों नहीं मिलती है? जो पाप की छतरी है तो कृपा बरसती है, साइड से गिर जाती है, फिर कहते पड़ोसी का मकान मेरा नहीं, उसके यहाँ छतरी नहीं है। समझ में आ रहा? तुम छाता लगाए खड़े हो, आ तो रही थी कृपा तुम पे, डाइवर्ट कहाँ हो गई, पड़ोसी क्या हो गई? समझ में आ रही बात? गलत बोल रहा हूं? नहीं बोल रहा हूं तो बोल दो। यदि ये बातें नहीं बताऊंगा, नहीं समझाऊंगा तो तुम मिथ्यात में चले जाओगे, कुगुरु कुदेव में चले जाओगे, ध्यान रखना। और मेरा केवल इतना ही लक्ष्य है कि जैन कुल पाया है तो उससे बेवफाई मत करो, ध्यान रखना। पूरी वफादारी के साथ जिनेंद्र भगवान की भक्ति करो, तुम्हारा कल्याण जो जिसमें है उसकी करे, बेवफाई क्यों करें? अपनी पत्नी दूसरों से बात तो कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरे को खाना भी खिला सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरे को पानी भी दे सकती है, लेकिन दूसरे को पति माने तो फिर क्या होगा? चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो जिन कुल में पैदा होकर जिनेंद्र को छोड़कर कुगुरु कुदेव पूजोगे तो तुम कैसे जैन हो? बेवफा जैन, समझ में? बेवफाई है तुम्हारी, ये चरित्र नहीं है तुम्हारा। समझ में आ रहा? क्लियर हो रही बात? कौन है अपने भगवान? जिनेंद्र भगवान। मैं तुम्हें छोड़ के वहां क्यों जाऊं? अरे जाता वो है जिसका अपना नहीं होता, मेरा तो बाप है, मैं बाप क्यों बदलूंगा? ध्यान रखिए, मैं क्यों किसी की गोद में जाऊंगा? नहीं, मेरा खानदान है ना, जिनवाणी मेरी माता, अरे हंत पिताजी मेरे। समझ में आ रहा? इनको छोड़ के क्यों जाऊं? और मेरा दाता तो कंगाल नहीं है, मेरा दाता कंजूस भी नहीं है, मेरी ही पात्रता नहीं है। समझ में आ रहा? अब पात्रता कैसे बढ़े? तो मिठाई, मीठी कितने प्रकार के होते? मीठा शब्द, मीठा जो होता ना, क्या बोलते तुम? गोड़, क्या गोड़? गोड़ गोड़ मीठा एक ही प्रकार का होता है, अनेकों प्रकार का होता है? गुलाब जामुन की मिठास अलग है, रसगुल्ले की मिठास अलग है, बर्फी की मिठास अलग है, लड्डू की मिठास अलग है, गन्ने की मिठास अलग है, शक्कर की मिठास अलग है। कितने प्रकार का मीठा है? एक ही प्रकार का होता तो दुनिया में एक ही मिठाई होती है ना। कितने प्रकार के मीठे हैं? मीठे फलों की मिठास अलग है, ड्राई फ्रूट्स की मिठास अलग है, सबकी अलग अलग है ना कि नहीं है? सबकी क्वालिटी अलग अलग है, सब मीठे। एक आम बड़ा मीठा, एक केला बड़ा मीठा, एक अंगूर बड़ा मीठा, सब मीठे हैं, लेकिन सबकी मिठास में अंतर है या नहीं है? बोलो। कड़वा, कड़वा भी कई प्रकार का, करेले की कड़वाहट अलग है, टेबलेट की कड़वाहट अलग है। समझ में आ रहा? नीम की कड़वाहट अलग है, जहर की कड़वाहट अलग है कि नहीं है? सब क्या? कड़वे, लेकिन सबके स्वाद में अंतर है कि नहीं? बोलो। समझ आ रहा? नहीं। पीले रंग कितने हैं? लेमन अलग है, केसरिया वाला अलग है, सब अलग अलग पीले हैं, है कि नहीं? नहीं आ रहा? समझिए, मिठास कितनी हो गई?
एक गुड़ की मिठास तो अनेकों है, लेकिन शास्त्रों में मुख्य चार मिठास बोली है। कितनी मिठास, मिठाई कितनी बोली है? पहला गुड़, दूसरा खांड, तीसरा शक्कर, चौथा अमृत। कितनी मिठास हो गई, कितनी मिठास हो गई? पहली कौन सी? गुड़ जैसी। दूसरी कौन सी? तीसरी। खांड और शक्कर में अंतर है, मिठास में भी अंतर है, रूप रंग में भी अंतर है। अमृत और भी ज्यादा मीठा, उससे मीठा तो कुछ नहीं। समझ में आ रहा, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? मिठास, कड़वाहट कितनी प्रकार की? चार मुख्य रूप से, वैसे तो अनेक प्रकार की। नीम, कांजीर और विष और हलाहल। समझ में नहीं आ रहा? कांजीर क्या होता है नहीं जानते? कलौंजी मैदा में डालते है ना। कुछ लोग ये समझते हैं कि कलौंजी जो है प्याज का बीज है, ऐसा नहीं है। प्याज का बीज नहीं है वो, प्याज के बीज अलग होते हैं, रूप रंग एक सा है। दो काली औरत सब तुम्हारी बीवी है क्या? नहीं है। हर पीला सोना है क्या? कलौंजी और कांजीर दोनों एक से दिखते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? कि जो प्याज का बीज है वह होता काला ही है, लेकिन उसे मुंह में डालो, डालना नहीं डालना तुम्हारी हेडेक है, थोड़ी देर बाद प्याज की गंध आने लगती है मुंह को चबाते चबाते। और जो कांजीर होती है वह मुंह में डालो, थोड़ी देर बाद नीम से ज्यादा कड़वी हो जाती है, मुंह को कड़वा कर देती है। समझ में आ रहा? तो जिसको प्याज की गंध आने लगे उसे मैदे में मत डालना। समझ में आ रहा? दोनों अलग अलग होते हैं। कांजीर को यहां कड़वाहट से लिया है, दोनों एक से ही दिखते हैं। क्लियर हुआ? तो कड़वा कितना हो गया? नीम, कांजीर, विष और हलाहल कोबरा। इसका डसा बचता नहीं है, हलाहल विष। समझ में आ रहा? कड़वे हो गए ना। अब इससे अपने जीवन को लगा लेना। देखो, एक वो व्यक्ति है जिसने इस जीवन में सामान्य पुण्य किया है, उसका फल गुड़ जैसा होगा। कैसा होगा? उससे विशेष करेगा तो खांड जैसा होगा, उससे ज्यादा पुण्य करेगा तो शक्कर जैसा होगा, उससे ज्यादा करेगा तो। अब कैसे पता चले कि हमारा पुण्य कैसा है? एक व्यक्ति ऐसे भी दुनिया में है जिनके पास रोटी होती है, कपड़ा भी होता है, एक झोपड़ी भी होती है, लेकिन फैसिलिटी नहीं होती है। उनने कौन सा पुण्य किया पिछले जन्म में? गुड़ जैसा पुण्य किया। समझी मैं? सामान्य पुण्य वो तो हर प्राणी करता है, हर धर्म का आदमी करता है। एक वो भी होते हैं जिनके पास रोटी कपड़ा भी होता है, अच्छा बंगला होता है, नौकर चाकर होते हैं, गाड़ी खड़ी होती है, इनने पिछले जन्म में खांड जैसा पुण्य किया है। समझ आ रही बात? एक वो भी होते हैं जिसके पास धन दौलत भी होती है, कई के पास धन दौलत होती है लेकिन दुनिया उन्हें जानती, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास धन दौलत भी होती है, वर्ल्ड फेम, दुनिया में नाम होता है, यश कीर्ति पुण्य होता है उनका। समझ में आ रहा? मोदी 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 काय के जैसा पुण्य? शक्कर जैसा पुण्य। हिंदुस्तान तो छोड़ो, विदेश भी चिल्ला रहा है मोदी 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 मोदी। कैसा कैसा पुण्य है इनके पास? ऐश्वर्य, इनके पास प्रभावना है, ख्याति है, यश है। कुछ ऐसे होते हैं कर कर के मर जाते हैं, अपयश मिलता है। ऐसे लोग होते कि नहीं? कितना भी करो लास्ट में क्या मिलेगा?
बुराई, वो पाप हैं। वो कैसे पाप हैं? विष जैसे पाप। ये शक्कर जैसा पुण्य है। और कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, खुद तरते हैं, दूसरों को तारते हैं, वो अमृत जैसे पुण्य के स्वामी। वो कौन होते हैं? हमारे तीर्थंकर भगवान। उनका पुण्य शक्कर जैसा नहीं है, उनका पुण्य खांड जैसा नहीं है, उनका पुण्य गुड़ जैसा नहीं है, उनका पुण्य किसके जैसा है बोलो? अमृत के जैसा। इसलिए तो कहते हैं वो अमर हैं। समझ में आ रहा? उनकी इतने अमर हैं कि जब तीर्थंकर थे तब भी लोगों ने पूछते थे, और आज भरत क्षेत्र में नहीं है तो भी दुनिया उनको शीश नवाती है। ध्यान रखना, सामने जय जयकार करना अलग बात होती है, और हजारों वर्षों करोड़ों वर्षों के बाद भी उनके मंदिर बनाना, ये अमृत जैसे पुण्यात्मा लोग होते हैं। ऋषभदेव करोड़ों वर्षों पूर्व हुए, आज भी उनके जिनालय बन रहे हैं, आज भी लोग उनकी जय जयकार कर रहे हैं, आज भी शत इंद्र उनको नमस्कार कर रहे हैं। कैसा पुण्य है उनका? अमृत जैसा पुण्य है। समझ आ रही बात? समय हो गया है, क्लियर हो गई? तो तुम श्रावक हो, पुण्य ही कमाना है। क्या करना? श्रावक अमृत जैसा भी कमा सकता है, क्योंकि चौथा गुण स्थान यानी श्रावक को ही तीर्थंकर प्रकृति बंध जाती है। कैसा पुण्य कमा लेता है? अमृत जैसा। ए जन्म के पहले रतन बरस रहे, कैसा पुण्य भगवान का? अमृत जैसा पुण्य। देवलोक धरती पे आ गया, अमृत जैसा पुण्य है। माता की सेवाएं अष्ट कुमारी का कर रही, अमृत जैसा पुण्य है। छप्पन कुमारी का कर रही, अमृत जैसा पुण्य है। देवताओं के वस्त्र स्वर्ग से आ रहे हैं, भोजन स्वर्ग से आ रहा है, सारा देवलोक हाथ जोड़े खड़ा है। ऐसा पुण्य दुनिया में किसके पास है? सिवा तीर्थंकर के अलावा किसी के पास नहीं। दुनिया में कहीं भी जाके देख लेना, इतना पुण्य किसके पास होता है? अब उस अरिहंत को तुम कहते हो वो कुछ नहीं देता, कंगाल है। आ गई बात समझ में? देते हैं या नहीं? हमें मिलता क्यों नहीं है? नीम जैसा पाप है, कांजीर जैसा पाप खा, और विष जैसा पाप, हलाहल जैसे पाप किए हैं। ये छतरी हटाओ, समझ में आ रहा? तो अमृत जैसा पुण्य देने की ताकत रखते हैं भगवान, लेकिन हम इतने अभागे हैं उनके चरणों में से भी गुड़ खा के आ जाते हैं, है ना? अभागे लोग हैं ना। अरे इसको अपन कल और क्लियर करेंगे। इतना समझ में आ गया? क्लियर हो गया? जावाणी के ज्ञान से सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो दो, हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणाग है सो पावे सुख चैन। नौ बार नमो।